हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी, दिस साइड ऋषभ। तो आज का जो सबसे पहला वीडियो होने वाला है, जो हमारा बरेली का टूर है, उसका सबसे पहला वीडियो है बशीर बेग के अड्डे से। हमारे नदीम भाई हमारे साथ हैं, तो नदीम भाई से मुलाकात करते हैं, आपको अड्डा दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे मांझे रखे हुए हैं, टूर्नामेंट की चौकस तैयारी चल रही है, खतरनाक डोरें बन रही हैं। ये देखिए आप, ना कहीं से मांझे में कॉम्प्रोमाइज़, ना कहीं से चरखे में कॉम्प्रोमाइज़, कहीं से भी किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो चलते हैं, आपको थोड़ा अड्डा दिखाते हैं, अड्डे पे क्या बन रहा है वो दिखाते हैं। और ये हमारे नदीम भाई हैं। नदीम भाई, कुछ बोलना चाहेंगे आप कि मतलब ये क्या टूर्नामेंट में क्या आप कैसी डोरे बनवा रहे हैं, या अभी दिखाइएगा अभी हमको कि कैसी डोरे बन रही हैं। टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया डोरे बनती हैं, सब शानदार अच्छे कलर बनना है और बहुत मेहनत करी जा रही है। बिल्कुल मेहनत अभी हम दिखाई देंगे कि आपको, और मेहनत दिखाने के लिए सबसे पहले तो मैं चरखी दिखाना चाहूंगा। और सारी मेहनत इस चरखी, खिलाड़ियों की चरखी है बाहर की, वैसे तो ये लोगों ने खिलाड़ियों ने पकड़ी। देखिए इसकी मेहनत क्या, मेहनत तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा, नदीम भाई के बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या मेहनत है डोर के ऊपर, बिल्कुल देख सकते हैं कैसे बल खुली हुई डोर है। तो ये मेहनत है, ये बिल्कुल अड्डे पे लाइव आपको दिख रहा है, बशीर बेग नंबर वन। बिल्कुल चरखा कितना खूबसूरत लगा हुआ है, देख सकते हैं। चरखे सभी अच्छे लगे, जितने भी चरखे हैं सारे, इसमें सारे फैंसी चरखे हैं, कोई चरखों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसकी शीट देखिए कितनी ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा थिक है ये, ये देखिए। तो क्वालिटी एकदम दमदार है, दमदार है, धुआंधार है, शानदार है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं इस बात को कि लोहा हर कोई मान ही चुका है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे भाई ने टूर्नामेंट भी उठाए हैं, और देख सकते हैं कैसे अब जो टूर्नामेंट होने वाला है उसको भी उठाने की तैयारी चल ही रही है। तो आप सब जान समझ ही सकते हैं इस चीज़ को कि किस हिसाब से तैयारी चल रही है और किस हिसाब से पूरे अड्डे पे डोरे सूती जा रही हैं। सारे खतरनाक से खतरनाक मांझे सूते जा रहे हैं। आप कलर देखिए, ये कलर देख सकते हैं, ये कलर भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे ये तीन चरखे हैं, तो ये देखिए, जैसे कि ये बल खुला है, ये थोड़ा सा चढ़े पैटर्न पे हो गया, ये थोड़ा सा मीडियम हो गया। तो हर डोर अलग अलग है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे नदीम भाई थोड़ी देर के लिए भी नहीं हटते अड्डे से, कारीगर काम कर रहे हैं, सब एकदम अपनी देख रेख में ही काम करवाते हैं। जब हम आए थे तो आपने जो रील देखी होगी उसमें तो पता ही चल गया होगा कि किस हिसाब से कोहरा था, तो उस समय से तैयारियाँ चल रही हैं। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब काम स्टार्ट हो और कब हम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करें। तो बहुत ही शानदार डोर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सारी प्रिपरेशन चल रही हैं, और ऑल इंडिया टूर्नामेंट का जैसे आप सबको इंतज़ार है वैसे हमको भी इंतज़ार है। और देखते हैं अब की बार कौन सी डोर कौन सा टूर्नामेंट उठाती है, क्योंकि काफ़ी सारे टूर्नामेंट अब की बार होने वाले हैं ऑल इंडिया के भी। तो देखते हैं अब की बार कौन सी डोर के कौन सा टूर्नामेंट उठाएगी। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन दी मैंने वो आने वाले टूर्नामेंट की दी, जो पहले टूर्नामेंट भाई जीत चुके हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और जो नए टूर्नामेंट आने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो नदीम भाई आप कुछ बताइए कि आप कौन कौन से अभी रिसेंट में टूर्नामेंट जीते हैं, या पास में कौन कौन से जीते हैं? मैंने अभी जो टूर्नामेंट जीते हैं जी, 7-8 टूर्नामेंट जीते हैं मैंने। एक मुंबई का जीता, एक मुरादाबाद का जी, और एक आपका रामपुर वाला टूर्नामेंट जी, और 2 इलाहाबाद में जीते मैंने टूर्नामेंट, एक जयपुर का है और एक सीतापुर का टूर्नामेंट जीता मैंने सन 2021 में। बिल्कुल मैंने 7-8 टूर्नामेंट सन 2021 में जीते हैं। बिल्कुल, तो मतलब अब की बार जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए बहुत ही खतरनाक कंटेंडर है हमारे नदीम भाई, उनकी डोर बशीर बेग नंबर वन। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहूँगा, जैसे कि नदीम भाई ने बताया कि अब की जो 2021 में उन्होंने 7-8 टूर्नामेंट उठाए। देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए ही हमें, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे नदीम भाई ने 2021 में 7-8 टूर्नामेंट उठाए हैं, जिससे कि काफ़ी सारे लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है एक डोर कहीं जाके 10-12 साल में कहीं एक टूर्नामेंट जीत पाती है, लेकिन नदीम भाई की डोर ने एक ही साल में 7-8 टूर्नामेंट जीते हैं, इतिहास बना दिया है ये चीज़। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उस चीज़ के लिए नदीम भाई आपको। कि कई सारे लोग अब ये बात भी बोलेंगे कि आप मतलब किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो देखिए हम जो कुछ भी काम करते हैं वो सारे प्रूफ के बेसिस पे ही करते हैं, विदाउट किसी चीज़ का प्रूफ हम कोई काम नहीं करते हैं। अभी हम आपको लेके चलेंगे नदीम भाई के घर पे, वहाँ पे आपको जो टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं उनकी ट्रॉफीज़ भी दिखाएंगे हम आप सबको, जिससे कि कोई ये ना कहे कि नहीं भाई आपने बिना किसी मतलब के वो बात कर दी है। तो इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं, अभी फिर हम नदीम भाई के घर चलेंगे और आपको सारी चीज़ें विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे।
तो बात का जो प्रूफ का जो टॉफीज का प्रोसेस है वो अभी हम जब उनके घर जाएंगे तब हम दिखाएंगे। अभी तो अड्डे पे हैं, तो अड्डे का जितना भी चीज़ है जो हमारे लिए डोरे लग रही हैं टूर्नामेंट की, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की डोरे लग रही हैं सब आपको दिखाते हैं हम। तो चलते हैं एक एक करके हम नदीम भाई के साथ, और नदीम भाई दिखाएंगे। चॉकलेटी डोर लगाई है, ये देखिए चॉकलेटी डोर लगी है, ये देखिए ये हमारे लिए लगी है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही शानदार काम किया गया है डोर पे, बहुत शानदार डोर है। ये देखिए, ये भी देखिए, है आपका कत्थई, कत्थई कलर पे है ये, कत्था कलर का, बहुत ज्यादा शानदार डोर है ये, बहुत शानदार डोर है, कत्थई है, मेहंदिया कलर है ये बिल्कुल, जिसको मेहंदी बोलते हैं, ये मेहंदी टोन पे है ये। ये देखिए और चरखियां आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कौन सा कलर है, हाँ डार्क मरून है। ये देखिए सब A1 क्वालिटी की डोरे हैं, एक नंबर की। ये देखिए चरखी देखिए आप पहले, तो चरखी देखिए इसमें पूरी डिटेलिंग है, बिल्कुल सिंस 1982 ये, हाँ 1982 से ये डोर लग रही है बिल्कुल। ये देखिए आप ब्लॉक भी देख सकते हैं और बाकी पूरी डिटेल इसमें दी गई भी है। बहुत शानदार डोर बनी है, बहुत ही शानदार, क्योंकि इतना कोहरा पड़ रहा है और इस मौसम में जो डोर बन जाती है मतलब वो तो कोहराम ही मचा देती है, क्योंकि डोर जल्दी सूखती नहीं है, यही रीज़न होता है कि उस पर सुताई ज़्यादा करनी पड़ती है, मटेरियल भी बिल्कुल। नदीम भाई आप कुछ बताइए आगे कि मतलब इस मौसम की डोर मतलब क्यों ज़्यादा करती है, इफेक्ट इसमारे ज़्यादा करती है कि सुताई ज़्यादा होती है, पाँच पाँच छः छः फेरे हाथ खींचना पड़ते हैं लोगों को, और मसाले भी ज़्यादा डालना पड़ते हैं डार उठाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करी जाती है डोर के ऊपर, माल चढ़ता रहता है और उसके बाद डोर इतनी शानदार हो जाती है कि उसका कोई जवाब ही नहीं होता है। जब वो अपने काम करती है तो भाई आदमी के सामने वाले के छक्के छोड़ जाते हैं बिल्कुल, देख सकते हैं। और ये सारी डोर उसी क्वालिटी की बन रही हैं, सारी जितनी भी डोरें हैं सब वही ऑल इंडिया टूर्नामेंट के लिए बन रही हैं, ये देख। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि खुली हवाओं का मौसम आने वाला है और बहुत ही शानदार हवाएं आने वाली हैं, तो नदीम भाई से अभी जो मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि वो जितनी भी प्रिपरेशंस करते हैं वो मौसम को देख के ही करते हैं कि उनकी जो डोर है वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे आने वाले टाइम में। तो जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई कि इतने खतरनाक मौसम में भी हमारे नदीम भाई बिल्कुल हटते नहीं है अड्डे से, बिल्कुल प्रॉपर अपने सामने काम कराते हैं कि कहीं से भी ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, और जितने टूर्नामेंट उन्होंने जीते हैं उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरी दुआ तो यही है कि आगे आने वाले टाइम में भी और ढेर सारे टूर्नामेंट्स जीते, और हमारा काम तो यही है कि हम वो सारी चीज़ें आप सबके सामने लाएँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार डोरे सब जगह सोती जा रही है, देख सकते हैं कि मेहनत हो रही है और मेहनत अभी तक रंग लाई है और आगे भी रंग लाएगी ऊपर वाले ने अगर चाहा तो। तो बस इसको अभी यहीं तक रखते हैं और फिर मैं आपको उनके जब घर जाएंगे हम तो उनका वहाँ जो कुछ भी कलेक्शन है ट्रॉफीज़ का जो उन्होंने जीते हैं विद प्रूफ आपको दिखाएंगे हम वहाँ से। तो जैसे कि मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि हम नदीम भाई के घर चलेंगे और वहाँ पे विद प्रूफ जितनी भी उनकी ट्रॉफीज़ हैं, जैसे कि बताया था आपको कि नदीम भाई ने जो उनका मांझा है नंबर वन उसने 2021 में अराउंड 7 से 8 ट्रॉफीज़ जीती हैं, तो ये सारी ट्रॉफीज़ हैं हमारे पास। और हमारे पहले के वीडियोस में आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ उनको सम्मानित किया गया है वो सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से ही पड़े हुए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं, क्योंकि विद डेट ट्रॉफीज़ हैं, और देखिए कितनी शानदार ट्रॉफीज़ हैं। तो नदीम भाई आप एक एक करके बताइए कि आपने कौन कौन सी ट्रॉफी कहाँ पर जीती है। ये कानपुर की है, 2021 प्रतियोगिता, फर्स्ट प्राइज मिला था इसमें कोहिनूर काइट क्लब जी जयपुर जी, ये फर्स्ट प्राइज है, ये देखिए देख सकते हैं विद डेट लिखा हुआ है 2021, उनका मोबाइल नंबर भी है जी, और मोबाइल नंबर भी है, कंफर्म करना चाहे तो बिल्कुल कोई भी कर सकता है। अब ये देखिए रामपुर में हुआ था, एक ट्रॉफी हो गई, एक हो गई, गिनते जाइए एक, ये एक ट्रॉफी हो गई। और काफी हैवी ट्रॉफी है, काफी ये नहीं कि आपकी हाइट के ऊपर जा रही है ये तो बिल्कुल। ये देखिए अब ये वाला, ये दूसरी ट्रॉफी कौन सी है, दूसरी ट्रॉफी ये है रामपुर, ये रामपुर की है, इस पे भी देखिए डेट लिखी हुई है 2021, तो गिनते जाइएगा पहली ये दूसरी है। अब तीसरी दिखाई है, ये रामपुर की ही तीसरी, ये भी बेस्ट मांझे की, ये देखिए ये बेस्ट मांझा, बेस्ट मांझा, बेस्ट मांझा लेकर ये टूर्नामेंट उठाने वाली, टूर्नामेंट उठाई है ये, उसमें भी ये कमेटी द्वारा बेस्ट मांझे की, बेस्ट मांझे की है, ये देखिए इस पे भी 2021 लिखा हुआ है। तो ये हो गई टोटल मिला के 3 ट्रॉफीज जी। इसके बाद ये चौथी ट्रॉफी ये है लखनऊ की, ये लखनऊ की दी थी, ये आगा भाई ने सम्मानित करा था, ये देखिए
ये उस्ताद ने इनको सम्मानित किया है जी। देखिए इसमें इंटरनेशनल काइट क्लब लखनऊ की तरफ से सुप्रीम भेंट। तो ये हो गई टोटल मिला के चार। नेक्स्ट ये मुरादाबाद की ट्रॉफी है, ये मुरादाबाद की ट्रॉफी है, इसकी भी क्लिप पहले वाली वीडियो में पड़ी हुई है जी। ये राजा भाई जीते थे, राजा भाई मुरादाबाद में जीते थे, राजा भाई मुरादाबाद जी। ये हो गई पांच ट्रॉफीज, और ये हो गई छठी, ये छठी ट्रॉफी है। ये सीतापुर वाली ट्रॉफी है, नदीम भाई सीतापुर, ये जावेद भाई जीते थे सीतापुर वाले, इंटरनेशनल जो वकील वाली टीम है उसने ये वाली ट्रॉफी दी है, उन्होंने जीती है। जी इंटरनेशनल जो वकील लड़ाते हैं इसमें, उन लोगों ने लड़ाया था, डिटेलिंग भी दी गई है, पूरी डिटेल नहीं दी है खैर उन्होंने। इतनी ये हो गई काफी है, सातवीं ट्रॉफी हो गई। और अभी जो बंबई की मुंबई वाली है वो भी आई नहीं है, वो लोग अभी आए नहीं है जी मुंबई से कोरोना के चक्कर में, जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो ट्रॉफी भी आपको बिल्कुल बिल्कुल। एक दिल्ली का है, वहाँ का क्या कहते हैं, प्रेजेंट टाइम में 60 ट्रॉफियां यहाँ पर है, विद प्रूफ जो बात करी थी वो मैंने यहाँ पे प्रूफ, बाकी सब सम्मानित के साथ वीडियो आपके पहले पड़ हुई है आपके चैनल, बिल्कुल आप वो देख सकते हैं, तो कहीं से भी कोई डाउट वाली कोई बात नहीं है। तो यही सब चीजें आपको दिखानी थी कि देख सकते हैं कि एक साल में सात से आठ बताई थी, अभी ये सात तो सामने रखी हैं, अभी दो तीन और आनी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब की डोर बना रहे हैं हमारे नदीम भाई और कितना अच्छा रिजल्ट दे रही है उनकी डोर। देखिए एक बार फिर से शावेज भाई दिखा दीजिएगा सारी, और फिर वो चलता जो हमने आपको सुबह दिखाया था तैयार हो चुका है, तैयार हो गया है, उसी को खोल के दिखा दीजिएगा सर, शानदार बना है। ये देखिए शानदार, शावेज भाई थोड़ा पास से दिखाइएगा, क्वालिटी देखिए पहले चरखे की, इतनी शानदार चमक देगी इसकी, और ये ताजी ही डोर है। थोड़ा सा इसको राउंड करिए, जरा सा ऐसे राउंड करिए, बस सिर्फ राउंड करिए, आप देख सकते हैं किस हिसाब का मटेरियल पड़ा हुआ है डोर में। ये देखिए बल देख सकते हैं आप डोर के, सितारे चमकने लगे हैं, बिल्कुल सितारे तो डोर में भी चमक रहे हैं, चरखी में भी चमक रहे हैं। ये देखिए चरखी भी कितनी शानदार लगी हुई है, एकदम शानदार। हाँ ये देखिए शानदार, समझ में आई बिल्कुल, बहुत सारे चरखे आज तैयार हुए और सारे डार्क कलर तैयार हुए, बिल्कुल सारे टूर्नामेंट के लिए डार्क चरखे ही, क्योंकि टूर्नामेंट में जो वेदर का फर्क आ जाता ना, कभी थोड़ा मौसम फील का हो जाता है तो उसके अंदर जो खेलते हुए रंग चल नहीं पाते हैं टूर्नामेंट में सारे ही डार्क कलर लगते हैं बिल्कुल, ताकि मतलब फील का मौसम हो जाए तो वो रंग फील लेना जी जी। तो ये हो गई ट्रॉफीज और बस इस वीडियो को हम यहीं से एंड करेंगे। आपने देखा आपने पूरे जो अड्डा था उस पर मांझे कौन कौन से लग रहे थे वो देखा, आपने ट्रॉफीज भी देख ली कौन कौन से हैं, तो आप समझ सकते हैं किस हिसाब की क्वालिटी है हमारे नदीम भाई के मांझे बशीर बेग नंबर वन की। तो इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये पतंग का शौक बहुत आगे तक जाना चाहिए। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करूंगा, जो भी नए चैनल पे है वो अमेजिंग गाइड दिल्ली को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल जैसे कि हमारे नदीम भाई ने भी बोल दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैसे मैं भी आपसे बोलना चाहूँगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइज़।